हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है क्योंकि मैं जा रही हूँ कैब में। कल हमने गाड़ी सर्विसिंग के लिए दी थी और हमने वो लेने जाना है, प्लस साथ में बिलर्ड्स का टेबल बन रहा है जो यहाँ बाहर है। यहाँ से थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा होगा, मैं वापस आके दिखाऊंगी। अभी मैं जल्दी से जा रही हूँ क्योंकि पारस चला गया है कैब में, मुझे भी भाग के जाना है। चलो थोड़ा सा टेबल दिखा देती हूँ चलते चलते। ये रहा बिलर्ड्स का टेबल जो बन रहा है, बाकी आगे दिखाऊंगी। हमने इसके लिए क्लोथ भी लेना है। हम भागते भागते निकल गए, मैंने ढंग से वेलकम नहीं किया, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। पेमेंट करके और मैं गाड़ी में ऑलरेडी बैठ गई हूँ, और जिसके बाद थोड़ा सा इसका और काम बचा है, सीट कवर्स और आगे वाले ग्लास का काम बचा है, वो हो जाएगा थोड़े टाइम में। और एक दुख भरी स्टोरी सुनाऊँ, आप मेरा फेस देख सकते हो यार, ये ना मैं बहुत ज़्यादा गड़बड़ करती हूँ और मैं ये आलस करती हूँ। मुझे ना अपना मेकअप ब्लेंडर और ब्रशेस लेके जाने चाहिए शूट वाले टाइम पे, जब मेरे शूट्स होने स्टार्ट होते हैं ना लगातार। पता नहीं कौन से पिंपल वाली लड़कियों के फेस पे यूज़ किए हुए ब्रशेस मेरे फेस पे यूज़ कर देते हैं और मेरा फेस पूरा ख़राब हो जाता है। मेरा फेस बिल्कुल साफ सुथरा फेस बेचारा, देख रहे हो यहाँ पे कैसे 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 हो गए, दिख ही रहे होंगे, हो जाएंगे कुछ टाइम में ठीक। बट अगली बार मुझे ध्यान रखना है कि मैं अपने ब्रशेस लेके जाऊँ। महल जैसा, इसी को तो बोलते हैं कर्स्ट होटल। क्या बोलते हैं? कर्स्ट होटल। कर्स्ट होटल क्यों? ये जो महल जैसी जगह आपने अभी देखी, ये बेचारा बंदा बैंकरप्ट हो गया बनाते बनाते। मेरे को आज पहली बार दिखाया है ये 10 साल से यहीं पे था बट। हम लोग इस जगह पहुंच तो गए हैं बट दिक्कत ये है कि यहाँ पे ना शॉप का कुछ पता नहीं चल रहा था। तो पारस गया तो देखने था बट उसको काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, 10-15 मिनट्स हो गए, तो मुझे लग रहा है कि अब वो लेके ही आएगा वापस। क्या करें हम तब तक बैठे बैठे। पूरा टेबल बनते हुए भी दिखाऊंगी, अभी सिर्फ उसके ऊपर वाली लकड़ी कटी है, मैं पूरा पूरा दिखाऊंगी। हमने खाना ऑर्डर कर लिया, खाना क्या मतलब, पारस का तो सबवे साथ साथ उसको मिल गया। और मैंने जिस दिन से एक्सरसाइज करने स्टार्ट किया उस दिन से मैं खाए जा रही हूँ मोटी भी नहीं हो रही, और उस दिन से मैं ज़्यादा बाहर का खा रही हूँ। पता के साथ मेरा फेवरेट पिज़्ज़ा आ गया, खोलो यार। मैंने ना घर आने के बाद से ब्लॉगिंग इसलिए नहीं की क्योंकि बबल मिला इन अ बैड सिचुएशन एज ऑलवेज। यहाँ पे ना एक कैट रहती है इसी एरिया में जो इससे बड़ी है साइज़ में, और ये हमेशा उससे मार खा के आता है हमेशा। ये पता नहीं जब इतना सा था ना तब से उससे मार ही खा के आता है, और अब इसके दिमाग में बैठ गया है कि हाँ मैं वीक हूँ, और उसके दिमाग में बैठ गया मैं स्ट्रांग हूँ, तो वो डराती रहती है, डरता रहता है। और अभी घर में काम चल रहा है तो ये कंट्रोल में नहीं है ये चीज़ कि इसको अंदर बंद करके रखें, ये निकल लेता है बाहर खुद ही। अब मार खा के देखो कैसे बैठा है। बुगो बुगो बाल ही आ गया आपका मेरे मुँह में। किसने मारा बुगो? क्यों मारा? किसने मारा बुगो को? और इसने जो वो पट्टा पहना हुआ था ना वो भी पूरा तोड़ दिया है इस बार। तो नीचे बड़ा भी दिखाती हूँ, उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ बिलियर्ड्स का टेबल। हम लोग पूल खेलेंगे फिर, ठीक है? स्नूकर बना रहा है स्नूकर बुगू। चलो दिखाती हूँ, हमारा बिलियर्ड्स टेबल खुद घर में बन रहा है पूरा का पूरा, जो अंकल ने डिज़ाइन किया और वो ही बनवा रहे हैं। अभी तो खुद कर रहे हैं बट उनके साथ दिन में बनाने वाले लोग आते हैं।
था वो बबल का जो मैंने बोला था ना कि टूट तोड़ के काट फाट के मार के भेजा इसको, वो ये है। बनता है तो बनते हुए देखिए। तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय YouTube चैनल।